नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा कि जीर्ण क्षतिग्रस्त व पुरानी नौकाओं द्वारा अपनी भारवाही क्षमता से अधिक भार का नौकावाहन किए जाने नावों की भौतिक दशाओं संरचनाओं व उनके परिचालन गतिविधियों के समुचित सत्यापन का अभाव नौका संचालकों का खराब या शून्य प्रशिक्षण उनकी खतरनाक कार्यशैली नाव परिवहन संबंधित कानूनों का वास्तविक रूप से पालन न किए जाने के कारण नौका दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इस संबंध में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति का गठन किया गया है। अपर जिलाधिकारी नगर ने कहा कि शासनादेश के अनुरूप जिन ग्राम पंचायतों के भूभाग के अंतर्गत नौकाओं व घाटों का संचालन होता है उन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति गठित की जाए। मानसून प्रारंभ होने के पूर्व समिति द्वारा क्षेत्र के नागरिक तथा गोताखोरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि शासन द्वारा नौका दुर्घटनाओं के प्रबंध न्यूनीकरण व सुरक्षा तथा नाविकों के विकास व कल्याण हेतु जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नागरिक कल्याण समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय तहसील स्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें नावों के संचालन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। बैठक में तहसील, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लोग अपनी दोस्ती आई कंधे में गला डाल के बैठ गए, किनारे पलट गए, और जो नावे हैं उनमें कौन सा पटरा फट रहा है, कौन सा गिर रहा है, कौन निकल जाएगा, ये जानकारी है। एनडीआरएफ तो तब आएगी जब वो नाव पलट गई और लोग डूबने लगे जो तैरना नहीं जानते, तब एनडीआरएफ का रोल है। लेकिन ये नाव के पटरे और वो सब थोड़ी चेक करेंगे। टेस्टिंग नहीं किया जाता है, उसमें से वो सालाना उनको वेरीफाई करता है, नहीं डूबने तक वेट बर्दाश्त कर लेती है। हाँ, वो क्या है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी वो साथ में उनको समझा देते हैं उसी समय किस तरह से उसको पाई जाए, तो सालाना एक बार अगर वेरीफिकेशन हो जाए प्री मानसून तो बेहतर है। ठीक है, फिर एक मैकेनिज्म तैयार हो टेक्निकल आर्मी उससे 2 महीने पहले चेक करना, क्योंकि उसे कई गांव में चेक करना है। बिल्कुल, तो जब तक हम इस्तेमाल करने की कंडीशन हो तब तक हमारे आसपास के जो नदी के किनारे गांव जहां नाव रखी जाती हैं 2-2.5 महीने का समय हो, ताकि वो एक एक हफ्ते में जा जाके उन गांव की सारी नाव को रिपेयर करे। वो रिपेयर करेगा तो उसे भाई पैसा भी चाहिए किया जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से रिपेयरिंग करा दे, दुर्घटना नहीं लगेगी। जितना पैसा हम दुर्घटना में देते हैं उससे कम पैसे में 20,000 में बच जाएंगे। सर इसमें एक्चुअली सर जो एसडीआरएफ गाइडलाइन जिससे हम लोग को राहत का पैसा मिलता है सर, तो हम लोगों को सर उसमें 4100 रुपया होता है सर, जो नाविकों का सर रहता है बोट की रिपेयरिंग के लिए सर, तो हम लोगों ने शासन से इस बार उसकी मांग की हुई है सर, वो 4100 रुपये पहली बार हुआ भी है सर ये, ताकि जो हमारे 300 नावें थे उन्हें सबके लिए मांगा है, ताकि वो जरूर निश्चित तौर चली होगी तो कहीं ना कहीं टूट फूट रहा होगा, तकरीबन 1.5 महीने तक सारी नावें लगातार चली, तो सर वो जो पैसा प्राप्त हो जाता है सर देन उसके बाद सर उसको जो है वही रिपेयरिंग के लिए हो जाएगा, और तो शासन से इसी का हवाला देंगे। हाँ, इसी का आदमी जो बंदा ठीक करे सर, यही तो बिना देखे रिपोर्ट बना देगा और बिल भी लगा देगा, 5,000-10,000 का बिल सारी नावों में टीन लगा देगा। जो एनडीआरएफ की बैठक हुई है आपदा के संबंध में, उसमें विशेष तौर से इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि शासन ने ये आदेश जारी किया है कि जो नाविक हैं वो अपनी नाव में 2 लाइफ जैकेट रखेंगे, ताकि कोई दुर्घटना की स्थिति बनती भी है तो वो लोग तैर के निकल सकें। और मीटिंग में बहुत से पहलुओं पर चर्चा की गई, तो उसमें हम लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि नाविकों को उनकी नाव में कितनी सवारी बैठानी चाहिए इसका आकलन कर लिया जाए, और नाव में दोनों तरफ एक रस्सी भी बंधी रहे जिससे कि नाविक उसको पकड़ के बैठे, ताकि नाव पलटने की संभावना बने तो उसे पकड़े रहें तो डूबने नहीं पाएंगे। इस तरह के कुछ सुझाव दिए गए हैं जो शासन स्तर पर
भेजे जाएंगे और उस पर शासन की अनुमति के हिसाब से ही सुरक्षित वोटों को तैयारी के लिए, उनकी मरम्मत पहले से कराने के लिए इन सब विषयों पर चर्चा की गई और बैठक सकुशल सम्पन्न हुई।